हजारीबाग में सारे पूजा पंडालों का पट खोल दिया गया है, साथ ही साथ दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। अभी हम आप देख सकते हैं कि एक पूजा पंडाल के समीप खड़े हैं यहाँ पे, और आज जो है डीसी और एसपी जो है यहाँ के हजारीबाग के, वो सारे पंडालों में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सारी व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं, वो सारे चीजों का वो लोग जांच करते हैं। कुल 1200 ऐसे जवान लगाए गए हैं 200 पंडालों में, जो पंडालों में ही उपस्थित रहेंगे। ड्रोन से निगरानी रखा जा रहा है, और सारे सुरक्षा के दृष्टिकोण में सारे जो उपाय हैं वो कर लिए गए हैं। एसएसपी ने हजारीबाग के का उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से जो लोग इस पूजा पंडाल में पूजा के समय बदमाशी करते हुए पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले आइए सुनते हैं कि डीसी इस मामले में क्या कहती हैं, साथ में एसपी सुरक्षा को लेके क्या बात करते हैं। जवान तैनात किए गए हैं और कई सारे रूटों को डाइवर्ट भी किया। हम बता दें कि जितनी शहर में और देहात में लगभग 200 के आसपास पंडाल है, उसमें हम हैदराबाद जिले में लगभग 1200 के आसपास हम लोग जवानों को तैनात किए हैं। और उसके बाद सीआरपीएफ के एक क्वाड भी लगाए हैं, बीडीडीएस टीम भी लगाए हैं, सीसी क्राउड कंट्रोल भी लगी हुई है। उसके बाद हम लोग जो ड्रोन है उसे भी हम लोग लगातार निगरानी रखे हुए हैं। फिर आपको जहाँ फोटोग्राफर वगैरह भी हम लोग सभी जगह मैक्सिमम जगह पर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी पंडाल है वहाँ पर सीसी कैमरा भी लगाया गया है। तो इस तरह से हम लोग लगाए हुए हैं। मोटरसाइकिल गश्ती दल भी शहर के लिए जहाँ भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पर हम लोग लगाए हुए हैं, और मुझे आशा है कि बहुत अच्छा से निकल जाएगा, बस शांति है। पूजा पंडाल में देखा जाता है कि चक्के जो है वो घूमते हैं, कहीं चिंता ही करते हैं, जान छीन लेते हैं। अभी तक ऐसा कोई हमको अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। अगर वो मिलती है तो तुरंत हम ये कहेंगे कि वहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं उनको सूचित करें, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सभी पंडालों में पर्याप्त फोर्स दिया गया है। लगातार आप कई पंडालों में घूमे हैं, किस तरह से व्यवस्था किया गया है? सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले में सभी जगह बहुत सारे पंडाल बने हैं, और आज शहर में हम लोग निकले हैं तो इंस्पेक्शन के लिए। सभी जो मुख्य पंडाल हैं और जो जहाँ पर पूजा हो रही है उन सबका भी हम लोग एक विजिट करेंगे, और जो भी डायरेक्शंस दिए गए थे सभी पदाधिकारियों को, पुलिस फोर्स को, बैरिकेडिंग हो या सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसकी एक बार हम लोग आज चेकिंग करेंगे, और सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ इस पर। बहरहाल डीसी और एसपी ने सारे पूजा पंडालों का निरीक्षण कर लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने सुनिश्चित किया है कि आराम से लोग पूजा पंडालों में घूम सकते हैं। ये पूरा उत्साह का माहौल है, उत्साह में सारे लोग पूजा पंडालों में घूमे, अपने बच्चों के साथ घूमे, और सुरक्षा में कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप के लिए हजारीबाग। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया? अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in